नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान विधायक विकास कुमार मुंडा ने सभी लोगों को माला पहनाकर और पार्टी का पच्चा देकर झामुमो में स्वागत करवाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनावों में विधायक विकास कुमार मुंडा को ऐतिहासिक जीत दिलाने और राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लिया। विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की असली ताकत जनता है और तमाड़ सहित पूरे राज्य की जनता झामुमो के साथ है। उनका कहना है कि तमाड़ में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्य और राज्य की जनहित योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो झारखंड की जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाई है और तब से राज्य में व्यापक विकास भी हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में झामुमो को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए एकजुट हो ताकि तमाड़ और राज्य के विकास को और अधिक गति दी जा सके। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। महिला आज पार्टी का एक मिलन समारोह का आयोजन था। उस मिलन समारोह के आयोजन में हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य कई सामाजिक लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमने सभी का तहे दिल से स्वागत किया है। और निश्चित तौर से सभी लोगों के साथ में आने से पार्टी भी मजबूत होगी और एक जो नेतृत्व जो हमारा है माननीय हेमंत सोरेन जी, उन पर और उनके कार्यों पर विश्वास करते हुए आज सभी लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। निश्चित तौर से जिस तरीके से सरकार आज के दिन में काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल से लोग बहुत संतुष्ट है और ये कारवा आगे बढ़ रहा है और मजबूती से आगे बढ़ता ही रहेगा। क्या क्या योजना चला रही है सरकार? जो तो सभी चीज़ें है ही, आप लोग सबको पता ही है। प्रतिदिन जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही है और उसका लाभ एक बड़ी बड़ी आबादी को मिला है और सिर्फ हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं, पूरे राज्य भर को के जो एक बड़ी आबादी है उसको उसका लाभ मिला है। देखिए, महिला निश्चित तौर से इस राज्य की आधी आबादी है और इस आधी आबादी के लिए हमारी सरकार ने महिला सम्मान निधि के साथ साथ कई योजनाओं को जो शुभारम्भ किया, जिसका एक बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है कि आज तक तो सिर्फ हमें वादे ही मिले हैं लेकिन किसी सरकार ने आज तक हमें इतना सब कुछ नहीं देने का प्रयास तक नहीं किया था। याद करिए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार बोलते थे और उस डबल इंजन का प्रयोग किसको लाभ पहुंचाने